तो सलमान खान को ना बोल दिया भाई, सलमान खान भी क्या करते भाई, जीजा है, जीजा को पीट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, दुत्कार भी नहीं सकते, लदिया भी नहीं सकते, वरना कोई और होता तो आयुष शर्मा अब तक 6 फुट जमीन के नीचे गड़ा होता, इतना तो सलमान खान कर ही देते। पूरी दुनिया आपका मजाक बनाए इस बात से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो इंसान आपका मजाक बनाए जिसे आपने खड़ा किया है, जिसने आपने मौका दिया, इस काबिल बनाया कि वो लोगों के बीच में खड़ा रह सके, अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर दे तो आपको तकलीफ होती है, खंजर की तरह उसकी बातें, उसका व्यवहार आपके भीतर तक चुभने लगता है। आयुष शर्मा यानी सलमान खान के जिज्जा जी, अब इनकी क्या प्रोफाइल है? इनकी सीधी सादी प्रोफाइल यही है कि भाई ये सलमान की जो बहन है अर्पिता, उसके पति है, बस यही इनकी प्रोफाइल है, और इसके दम पर ही और सलमान के दम पर इन्हें फिल्में मिल रही है, बाकी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिंग करने वाले बॉलीवुड में लाखों लोग हैं। अगर आयुष शर्मा अपना बायोडेटा लेकर किसी प्रोड्यूसर के पास जाए और उस बायोडेटा के ऊपर सिर्फ ये लिखा रहे, जो इनकी शोरूल होगी उस शोरूल के ऊपर सिर्फ ये लिखा रहे कि सलमान का जीजा जी, बस थोड़ा बहुत तो काम मिल ही जाएगा। ये होता है नेपोटिज्म जिंदाबाद, बाकी एक्टर्स तो बस नेपोटिज्म मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही चिल्लाते हुए रह जाते हैं। तो आयुष शर्मा बन चुके हैं बड़का वाला हीरो, अब इन्हें छोटे मोटे रोल में इंटरेस्ट नहीं है। सलमान के साथ कभी ईद कभी दिवाली कर रहे थे, सलमान का भाई बनना था, साइड रोल मिल रहा था, ये बोले हम ऐसा रोल कैसे करेंगे, हम ठहरे इतने बड़े सुपर डुपर स्टार, हम ये रोल करने के लिए पैदा हुए हैं, इस दिन के लिए हम मेहनत कर रहे थे, इस दिन के लिए चापलूसी कर रहे थे, इस दिन के लिए हमने शादी की थी, ये रोल हम नहीं करेंगे, ये रोल किसी और को दे देना, क्योंकि अपन को चाहिए फुल इज्जत, सोलो फिल्म चाहिए जिसमें अपन फुल अकेले हीरो बनना मांगता है। तो सलमान खान को ना बोल दिया भाई, सलमान खान भी क्या करते भाई, जीजा है, जीजा को पीट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, दुत्कार भी नहीं सकते, लदिया भी नहीं सकते, वरना कोई और होता तो आयुष शर्मा अब तक 6 फुट जमीन के नीचे गड़ा होता, इतना तो सलमान खान कर ही देते। आयुष शर्मा कह रहे हैं हमको साइड रोल चाहिए ही नहीं, हम क्या शोले के एके हंगल हैं जो सिर्फ यही कहने के लिए पैदा हुए हैं कि कौन बसंती, मेरी नमाज का समय हो गया है, जरा मुझे मस्जिद तक पहुंचा देना। अरे हम इस रोल के लिए नहीं बने हुए, हम करेंगे एकदम बड़ा वाला रोल।